में 130,000 और ऑस्ट्रेलिया में करीब 80,000। 2023 में इतने इंडियन स्टूडेंट्स इन देशों में गए थे। इन टोटल 13,00,000 इंडियन स्टूडेंट्स देश के बाहर पढ़ाई करने गए थे। Employed. I don't have a job here. Indians have become one of the largest group of immigrants. I'm sitting and crying in someone else's house. I hope to stay there and I hope to make a life for myself there. Literally, I was homeless. So I decided to pack my stuff and move to India. Hey guys, welcome back to my channel. तो ऐसी वीडियो मैंने पहले भी बनाई हुई है और उसमें बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया था, बहुत सारे लोगों के हेट कमेंट्स भी आए थे। जब भी इस तरीके की वीडियो बनती है ना, जिसमें आपको रियलिटी चेक दिया जाता है, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी होता है, उसमें इस तरीके के हेट कमेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है यहाँ पर कि भाई आपको एक रियलिटी चेक दिया जा रहा है, आपसे एक अपना एक्सपीरियंस, एक जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। तो आप उस एक्सपीरियंस से कुछ सीखें रादर देन कि आप हेट कमेंट्स डालो, इन सबको अवॉइड करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आज मैं अपना एक जेन्युइन एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी किन लोगों के लिए कनाडा आना वर्थ रहेगा और किन लोगों के लिए कनाडा आना बिल्कुल बकवास होने वाला है, बिल्कुल वर्थ नहीं होगा। आप जो इतने जो सपने बुन के आ रहे हो ना, वो सपने के सपने रह जाएंगे। तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि मैं कनाडा आना बेकार है, यहाँ पर आकर आप अच्छा अर्न नहीं कर सकते, अपने लाइफ में सेटल नहीं हो सकते। हो सकते हो, बहुत सारे लोग हैं, आपको बहुत सारे लोग अपने एग्जाम्पल में देखने को मिल जाएंगे जो अच्छा खासा बाहर गए, अच्छा खासा कमा रहे हैं, सेटल हो चुके हैं, अच्छा खासा उनके पास पैसा, गाड़ी, सब कुछ है, घर वर ले लिया है और अपना अच्छे से एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। लेकिन क्या ये सबके साथ है? नहीं, डिपेंड करता है ना कि आप भी किस टाइप के बंदे हो, क्या आप उतना हार्ड वर्क कर पाओगे जितना हार्ड वर्क उन्होंने किया, क्या आपका लक इतना अच्छा रहेगा जितना लक उनका अच्छा रहा। तो सबके साथ सेम टाइप की जर्नी तो नहीं चलती है ना, सबके अलग अलग एक्सपीरियंस रहते हैं, सबका अलग अलग नजरिया रहता है, बहुत सारी चीजें हैं। ये कोई एक दो फैक्टर नहीं है जो मतलब आप बस आ गए कनाडा और आप एक सक्सेसफुल बंदे बन गए हो। तो ये अगर आप सोच के आ रहे हो तो भाई आप बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन के साथ आ रहे हो। और फिर होता क्या है ना कि आप एक अलग ही एक्सपेक्टेशन के साथ आ जाते हो और यहाँ आके जब वो सपने पूरे नहीं होते हैं, जब आपको कुछ एक अलग ही टोटली डिफरेंट लाइफ देखने को मिलती है, पता चलता है कि अरे भाई मैं तो ये सोच ही आया था बट यहाँ पर तो कुछ अलग ही हो रहा है। फिर क्या होता है, आपके जो जितने सपने थे, सारी एक्सपेक्टेशन थी, वो खत्म हो जाती है, आपका जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग हो जाता है और एज अ रिजल्ट आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हो, आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। फिर आपको लगता है कि अरे भाई मैंने इतने पैसे भी लगा दिए, इतना लोन लेके आया था, घर वालों ने इतने पैसे लगा दिए, वो सब पैसे बर्बाद हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें ना आपकी मतलब उथल पुथल हो जाती है। ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए एक क्लियर पिक्चर में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सपने बुनो, सपने देखो, सपने देखना गलत नहीं है और सपने देखने के साथ साथ उनको पूरा करने की भी कोशिश करो, थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट से भी जाओ। लेकिन यहाँ पर जो आज मैं बताने वाली हूँ वो रियलिटी चेक है और दोनों चीज़ें बताऊँगी यहाँ पे। पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन लोगों के लिए कनाडा आना बिल्कुल वर्थ नहीं है। दूसरा फिर मैं यही बताऊंगी कि वो कौन से कैटेगरी के लोग होंगे जिनका कनाडा आना बहुत ज़्यादा सही रहेगा और अच्छा खासा वो अपना नाम कमा सकते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अपना अच्छा खासा यहाँ पे सेटल डाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम दोनों के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई किन लोगों के लिए कनाडा आना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। तो नंबर वन उन सभी लोगों के लिए जिनको लगता है कि भाई कनाडा में लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी है, चाहे वो आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो, चाहे आप एक जॉब ढूंढने के पर्पज से आ रहे हो, चाहे आप सेटल होने के पर्पज से आ रहे हो, व्हाटएवर। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि भाई बस जैसे तैसे मुझे भेज दो, मुझे बाहर जाना है, वो चाहे कनाडा जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ भी जाना है, लेकिन मुझे बस बाहर जाना है, फिर आगे का मैं खुद देख लूंगा, आगे का मैं अपने आप अपनी लाइफ को सुधार लूंगा, अपनी लाइफ में सेटल कर लूंगा। ये बहुत सारे घरों में ना अक्सर माँ बाप को सुनने को मिलता है कि भाई आप मुझे बस बाहर भेज दो, आगे मैं अपना खुद से देख लूंगा। लेकिन भाई थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके चलो, इतना ईजी नहीं है। आप बाहर आए, अपना बाहर आके आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी ज़्यादा महंगी है, कैसे आप सर्वाइव करोगे? कि आपको लगता है कि आप यहाँ पर आए और आपको आते ही जॉब लग गई, आप अच्छे खासे, आपकी सारी चीज़ें आपकी फेवर में चल रही हैं और आप भाई एक अलग ही लाइफ जीने लग गए? ऐसा नहीं होता है। हो गए कि भाई 1,000 में से एक दो लोगों का लक अच्छा हुआ, उनको आते यहाँ पे जॉब वॉब लग गई इजिली और वो अच्छा खासा सेटल डाउन हो गए। लेकिन जरूरी नहीं है ना, वो सेम चीज आपके साथ भी होगी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है कि भाई लाइफ इतनी ज्यादा ईजी नहीं है, कि लाइफ ईजी नहीं है कैनेडा में। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट के पर्पज से भी आ रहे हो तो आपको ये समझने की जरूरत है कि भाई जो एजुकेशन सिस्टम हमारा इंडिया में है या जहां से भी आप आ रहे हो वहां पर है, और जो एजुकेशन सिस्टम कनाडा में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर जो ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वो आपके टेस्ट, आपकी असेसमेंट, आपका कितना क्लास पार्टिसिपेशन है, सारी चीज़ें कंसीडर की जाती है। असेसमेंट
इजी नहीं होता। इंडिया की तरह नहीं है कि भाई एक बच्चे ने असेसमेंट किया, सारे बच्चों ने टेप दिया, ठीक है, या आपको ऑनलाइन आपने भाई क्वेश्चन डाला, आपको उसका आंसर मिला, आपने टेप के अपना सबमिट कर दिया। तो इजी नहीं है असेसमेंट। ऐसा भी नहीं होगा कि आपने सारी क्लासेस अटेंड करी उसके बाद भी आप असेसमेंट को बहुत ईजिली कर पाओगे और उसको अपना सबमिट कर पाओगे और अच्छे खासे नंबर स्कोर करके अपना सेटल हो जाओगे। इतना ईजी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे असेसमेंट में आपको जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसके बाद आपको खुद से बहुत सारी चीज़ें खुद से पढ़नी पड़ेंगी, खुद आपको उसमें एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब जाके आपके असेसमेंट पूरे होते हैं, ठीक है। अगर बात कर ले जॉब की, तो भाई ऐसा नहीं है कि आपको इंडिया में तो जॉब ढूंढने में चलो दिक्कत हो ही रही है, लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि भाई आपको बाहर जाके बहुत ईजिली जॉब मिल जाएगी, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो भाई। यहाँ पर आपको हो सकता है कि आप महीने महीने, दो तीन महीने, चार पाँच महीने, साल भर हो जाते हैं भाई, लोगों को जॉब नहीं मिलती। उनको एक एक दिन में 10-10 रिजेक्शन, और पता चला आपको 50 रिजेक्शन हो गए, आपके 60 रिजेक्शन हो गए, स्टिल आपको जॉब नहीं मिल रही है। अब होता क्या है, जब रिजेक्शन होता है ना, तो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस आता है, और फिर हमें लगता है, फिर एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है अपनी स्किल्स पर, अपनी एबिलिटीज पर, कि भाई क्या मतलब सच में मेरी में इतनी एबिलिटी है, क्या सच में मुझे इतनी नॉलेज है, क्या सच में मुझे अपनी फील्ड में इतना एक्सपीरियंस है कि भाई मुझे जॉब क्यों नहीं मिल रही, कुछ ना कुछ कमी है क्या मतलब। और फिर आप अपने बारे में ना नेगेटिव होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि यहां पर अपनी फील्ड में भी छोड़ो, आपको नॉर्मली जॉब पाना भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। और वैसे भी अभी के टाइम में तो इतना रिसेशन है, वैसे ही फायरिंग चल रही है, तो आप अपनी फील्ड में, फिर मैं कहूँगी भूल जाओ कि भाई उसमें तो आप तभी जॉब ले पाओगे जब आप एक्सपर्टीज हो, आप अपनी फील्ड में कुछ अलग ही, एक अलग ही एक्सपर्टीज के साथ आ रहे हो, तो भाई तब तो अच्छा है, आपको ईजिली मिल जाएगी। नहीं तो आप इस माइंड सेट के साथ तो आओ या आओ कि भाई आपको जरूरी नहीं है अपने फील्ड में जॉब मिलेगी, लेकिन आपको जिस फील्ड में जॉब मिलेगी आप उस फील्ड में जॉब कर लोगे, और मतलब आपको कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी इजी नहीं है इस माइंडसेट के साथ आना कि हो सकता है कि आपको 10 दिन में जॉब मिल जाए, हो सकता है कि आपको महीना भर, दो महीना, चार महीने भी आपको जॉब ना मिले, और आपको अपनी सेविंग या जो भी अपने घर वालों से पैसे मंगा कर ही गुजारा करना पड़े, ठीक है। दूसरा, उन लोगों के लिए कनाडा आना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है जो अच्छा खासा सेटल डाउन है, जो ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकते, जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं है। कि अगर आप अच्छे खासा सेटल डाउन हो इंडिया में, तो यहाँ पे आके स्क्रैच से स्टार्ट करना, जीरो लेवल से स्टार्ट करना, जीरो से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन लोगों के लिए। कि अगर आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ रही है, आपके मतलब आपका बैकग्राउंड अच्छा था, घर वालों ने सभी आपके चोचले किए हैं, मतलब आपको अच्छे से पैम्पर किया है, अच्छे से रखा है, आपने कभी अपनी लाइफ में ज़्यादा ना मतलब गरीबी नहीं देखी, कभी पैसों का झंझट नहीं देखा, और आप बाद में फिर आपकी जॉब वॉब भी लग गई, अपने घर वालों के बिजनेस में आप घुस गए और अच्छा खासा अपना कमा रहे हो, सेटल हो, या आपके घर वालों का बिजनेस भी छोड़ो, आपने पढ़ाई पूरी करी, उसके बाद आप आईटी या किसी फील्ड में जॉब करते हो, अच्छा खासा अपना 50,000-1,00,000 रुपये, 1.5 लाख रुपये आप महीना कमा रहे हो, तो उसके बाद आपको यहाँ से जीरो लेवल से स्टार्ट करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो या तो आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, अदरवाइज एक चीज़ जो आप अच्छे से अपनी लाइफ में मतलब स्टेबल हो चुके हो, अच्छा खासा भाई आप घर में आते हो, घर में मेड लगी हुई है और भाई कुक लगा रखे हैं, अपना आराम से मजे में बस जॉब करते हो, घर आते हो, टीवी देखते हो, सोते हो, तो वो वाला चीज़ ना आपको वहाँ जाके नहीं मिलेगी, ठीक है, समझ रहे हो। यहाँ पे तो क्या है कि 10 लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स हैं, इतने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए, फ़ोन घुमाया, कुछ भी काम कर दिया, वहाँ पे कुछ नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है भैया, वहाँ पे आप किसी को नहीं जानते, वहाँ पे आप बिल्कुल एक नई दुनिया में जा रहे हो, ठीक है, आपको वापस से सब कुछ शुरू करना है। यहाँ पे जो आप इजिली आपको मेड कुक सब मिल जाते हैं ना, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको खुद करनी है, आप चाहे वो खाना बनाने की बारी आए, चाहे वो बर्तन धुलने की बात करें, चाहे वो कपड़े धुलने की बात करें, चाहे घर की क्लीनिंग की बात करें, कुछ भी हो आपको सब कुछ खुद से ही मैनेज करना है। तो फोन घुमाया, अरे भैया दीदी कहाँ रह गए, क्यों नहीं आए, ये सब चीजें वहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। तो अगर आप अच्छा खासा स्टेबल हो, आपने अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ज़्यादा पैसे की मारामारी ये सब चीज़ नहीं देखी, और अगर आपको लगता है कि भाई मेरे लिए अब इतनी स्टेबल भरी लाइफ को छोड़कर वापस से सब कुछ शुरू करना नहीं हो पाएगा, क्योंकि सबके लिए इतना इजी नहीं हो पाता है, तो भाई आप फिर दूसरे देश में जाने का या कैनेडा जाने का मत सोचो, क्योंकि वहाँ पर आपको वापिस से बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हुए चलना है, तो वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी, एटलीस्ट स्टार्टिंग में कुछ इयर्स तक आपको अच्छा खासा स्ट्रगल भरी लाइफ आपकी रहेगी, आपको सब कुछ स्ट्रगल भरा रहेगा, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। तो नाउ इट्स ऑन यू कि आपकी प्रायोरिटी क्या है और
अगर आप इस स्ट्रगल के लिए रेडी हो और अपनी लाइफ में कुछ अलग अचीव करना चाहते हो, हार्डवर्किंग हो, देन गो फॉर दैट. लेकिन अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, तो भाई आपके लिए आना बिल्कुल ही बकवास होने वाला है. नंबर थर्ड, स्ट्रेस एंड लॉनलीनेस. भाई यहाँ पे आके स्ट्रेस तो होगा ही होगा, और दूसरा फिर जो दिक्कत करता है वो है लॉनलीनेस. अब हम इंडिया में क्या होता है ना, हमारे 10 दोस्त यार हैं भाई, इतने सारे रिश्तेदार, ये वो, मतलब सबको जानते हो क्योंकि आप बचपन से यहाँ रहे हो, आपके बहुत सारे लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं. तो अगर आपकी लाइफ में कभी भी कुछ गलत भी चल रहा है, कुछ भी आपके फेवर में नहीं चल रहा है, आप डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, स्ट्रेस है, स्टिल आपके पास दोस्त हैं, घर वाले हैं, बातचीत करने के लिए, अपना जो एक भार है उसको हल्का करने के लिए. लेकिन यहाँ पे कैनेडा में क्या होगा, कोई नहीं है. यहाँ पे लोनलीनेस आपको फील होगा क्योंकि जब आपकी हर जगह से रिजेक्शन होगा, जो कि चांसेस हैं, लेकिन चलना भाई इसको कि रिजेक्शन होंगे आपके अच्छे खासे, और आपको स्ट्रेस भी आएगा. अब आपको उस चीज का स्ट्रेस, फिर दूसरा रहेगा कि भाई मैंने तो इतना सारा लोन लेके आया था, इतना अच्छा खासा, मैंने तो पैसे उधार लेके घर वालों ने दे रखे हैं, पैसा कर्जा देना है मुझे. तो अब वहां के कर्जा देने का तो छोड़ो, यहाँ तो जॉब भी नहीं लग रही, तो आपका क्या होता है, डिप्रेशन में आना आप शुरू हो जाते हो, तो एंग्जायटी बढ़ जाता है आपका. अब फिर ऐसे में जब आप घर आते हो, घर आके भी आपको फिर लगता है कि अरे यहाँ पे तो कोई भी नहीं, तुम अकेले, और ऊपर से फिर अब तुम्हें अपना खाना पीना भी सब कुछ खुद ही देखना है, तो भैया आपका ना बहुत ज़्यादा एक मन में उदासी रहनी शुरू हो जाती है. आप बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाते हो, और तब जाकर आपको लगता है कि मैंने लाइफ का शायद सबसे बड़ा गलत डिसीजन ले लिया है, और मतलब यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा तो कम से कम मैं वहाँ पर था, तो मेरे घर वाले तो मेरे साथ थे, मेरे दोस्त यार तो मेरे साथ थे, एटलीस्ट मैं वहीं पर ही कुछ और थोड़ा सा मेहनत करता है देखता तो शायद मैं वहीं पर ही एक अच्छी जॉब ले सकता था. तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को फील होती है, जो मैंने मतलब, क्योंकि जब भी हम कभी भी जाते हैं ना, मैं और प्रवीण भी कभी भी हम उबर में इधर उधर ट्रेवल करते हैं, तो मैंने इतने सारे लोगों से बात की, उनमें से बहुत सारे उबर जो चला रहे हैं वो स्टूडेंट ही हैं, जो पढ़ने के पर्पज से हैं, कोई डिप्लोमा कर रहा है, कोई डिग्री का कोर्स कर रहा है यहाँ पे, और वो लोग खुद बताते हैं कि भाई हम जब शुरू में आए तो मुझे यहाँ पर आके साल भर तक तो मैं बिल्कुल ऐसा चुपचाप सा रहता था, और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, अब जाके धीरे धीरे थोड़ा मन लगने लगा है. तो मतलब आपको, और कई लोग तो ऐसे ही हैं जिन्होंने मुझसे ये भी बोला कि भाई हम यहाँ पे सिर्फ पीआर लेने के लिए बैठे हैं, कि एक बार ही पीआर अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद मुझे तो इंडिया ही जाना है, मैं यहाँ पे मतलब मेरा मन नहीं लगता. और कई तो ऐसे भी थे, आप मानोगे नहीं, जिन्होंने लिटरली चीज बोली कि भाई मतलब चुल है ये लोगों में कि भाई मुझे बाहर जाना है, विदेश जाना है, विदेश जाना है, जबकि इन एक्चुअली यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, या हमारा यहाँ पे मन नहीं लग रहा. तो अगर आपको लगता है कि भाई आप ज़्यादा स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे, आप अकेलापन नहीं फील, अकेले नहीं रह पाओगे, तो आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है. क्योंकि आप यहाँ पे आओगे, आपको अकेलापन तो ही रहेगा, आप अपने घर वालों के साथ तो आ नहीं रहे, यहाँ पे आप किसी को जानते नहीं हो, नो वन इज इंटरेस्टेड इन योर लाइफ. ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आए और आपके भाई यार वार बन गए, या अलग ही दोस्त वोस्त बन गए, पार्टीज चल रही हैं, ये सब आपने सोशल मीडिया पे वीडियोस में बहुत देखा होगा, लेकिन भैया ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, तो ये माइंडसेट के साथ आना, आपको अकेले चलना है, अकेले अपना सफर तय करना है, अकेले ही आपको घर में आके सब कुछ हैंडल करना है, और जो भी आपका, चाहे रिजेक्शन हो, चाहे आपको कुछ भी लाइफ में चल रहा हो, आपको सब चीज़ें खुद से मैनेज करनी है. तो ये थे वो पॉइंट्स कि किन लोगों के लिए कनाडा आना वर्थ नहीं है. अब हम बात कर लेते हैं कि भाई किन लोगों के लिए कनाडा आना वर्थ है, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस हैं कि भाई जो इंडिया में बिल्कुल भी सेटल नहीं थे, कुछ अच्छा खासा नहीं कमा रहे थे, लेकिन बाहर जाके आज उनका अपना एक अलग ही रेस्टोरेंट खुला हुआ है, इतना अच्छा खासा सेटल डाउन है, भाई घर वर ले रखे हैं, तो मतलब अच्छा अपना लाइफ जी रहे हैं. ठीक है, तो यस वो लोग भी हैं, लेकिन वो लोग कौन होंगे, किन के लिए वर्थ रहेगा कनाडा आना. फर्स्ट, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, कि अगर आप हार्ड वर्किंग हो, अगर आप मेहनत करने से नहीं घबराओगे ना, भैया आई एम रेडी फॉर एवरी चैलेंज, हर एक प्रॉब्लम के लिए मैं रेडी हूँ, तो भैया आपके लिए कनाडा क्या किसी भी कंट्री में जाना वर्थ रहेगा. कि अगर आप मेंटली रेडी हो ना कि भाई कुछ भी हो मुझे करना है, मुझे अपनी लाइफ बनानी है, अब चाहे वो जीरो लेवल से स्टार्ट करके बनानी है, मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, आई विल डू, तो आप कर जाओगे, तो फिर तो भाई यू आर मोस्ट वेलकम. आओ और अपनी लाइफ बनाओ, क्योंकि भाई अगर आप में पोटेंशियल है ना, अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्टीज हो, अगर आप हार्ड वर्किंग हो, बिलीव मी गाइस, आप बहुत अच्छा खासा अपना नाम यहाँ कमा सकते हो, अच्छा खासा पैसा यहाँ कमा सकते हो, और अच्छा खासा अपना लाइफ में सेटल हो सकते हो.
हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें टोटली आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और दूसरा, अगर आपको लगता है कि भाई आपकी इंडिया या जहाँ पर भी आपका जो भी आपकी होम कंट्री है वहाँ पर आप अच्छा खासा अर्न नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी 10-20 हज़ार ही कमा रहे हो, 25 हज़ार कमा रहे हो, तो यहाँ पर भी कोई अच्छा खासा अर्न नहीं कर रहे हो, या आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, या जिस फील्ड में भी आप जॉब कर रहे हो उस फील्ड में आप सेटिस्फाइड नहीं हो और आपका मन नहीं है, आपको अपनी फील्ड चेंज करनी है, व्हाटएवर, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भाई आप बाहर आओ, यहाँ कैनेडा आओ और यहाँ पे अपना ट्राई करो, यहाँ पे अपनी फील्ड चेंज करो और यहाँ पे आके अपनी जो भी एक्सपर्टीज है या जो भी आप जॉब करना चाहते हो उसमें अप्लाई करो, जॉब करो, तो भाई आप अपना अच्छा खासा अर्न कर लोगे। क्यों? क्योंकि भाई आपका पहले आप इंडिया में भी अच्छा खासा नहीं कमा रहे हो, वहाँ भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अच्छा रहेगा ना कि आप भाई कैनेडा आओ या किसी और कंट्री में जाओ और वहाँ जाके अपना स्ट्रगल करो। स्ट्रगल यहाँ भी करना है वहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ आके आप अच्छा खासा कमा पाओगे, ये एक प्लस पॉइंट होगा। यहाँ आकर आपकी तरक्की होने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, आपके जो पैसा ज़्यादा कमाने, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ को ईजली और कंपैरेटिवली जल्दी सेटल डाउन कर लोगे, ठीक है। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। नंबर थ्री, जो भाई जिनको स्ट्रेस वगैरह लोनलीनेस की कोई दिक्कत, जिनको स्ट्रेस और लोनलीनेस की कोई दिक्कत नहीं है और साथ ही साथ जो अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज हैं, तो भैया यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि आपके लिए यहाँ आना और अपनी फील्ड में नाम कमाना बहुत ही ज़्यादा ईजी भी रहेगा और भैया आप अच्छा खासा अपनी फील्ड में तरक्की भी कर लोगे। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। आई रियली होप कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि भाई किन लोगों के लिए कैनेडा आना वर्थ नहीं है और किन लोगों के लिए कैनेडा आना वर्थ है। तो इसके साथ ही करते हैं आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म। आई रियली होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करना सब्सक्राइब, वीडियो को देना एक बड़ा सा लाइक। इसके साथ ही मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।